मैं आंटी की वजह से बहुत परेशान हूँ। उनकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं जानती हूँ रोहान, तुम इतनी घटिया हरकत करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। आप आ गए? तुम फोन पे किससे बात कर रही थी? मामा का फोन था, उन्हीं से बात कर रही थी। आप फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लगवाती हूँ। अच्छा सुनो, ऊपर से मेरा जरा लैपटॉप ला दो, मुझे कुछ ईमेल चेक करनी है। जी अभी ला देती हूँ। अगर वासिफ ने उस लड़की से शादी कर ली तो मेरा क्या होगा? ये किसी कीमत पे अपना घर बर्बाद नहीं होने दूंगी। ये मेरा घर है, मेरे नाम पे है। इस घर की एक एक चीज सिर्फ और सिर्फ मेरी है। इसमें किसी दूसरी औरत की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। सुहेब, आजकल आप चुप चुप से रहते हैं, ऑफिस से भी लेट आते हैं, वजह पूछ सकती हूँ? प्लीज कुछ कहिए ना। और कब तक हम ऐसे ही अजनबियों की तरह जिंदगी गुजारेंगे? अगर आपको मुझसे कोई गिला है, कोई शिकायत है, तो आप खुल के इजहार करें ना प्लीज। सोफिया, मैं थक गया हूँ तुम्हारे इन रोज रोज के किले शिकवे और बदगुमानियों से। खामोश रहने से फासले बढ़ते हैं, दिलों में बदगुमानियां पैदा होती हैं। आप खुल के कहें ना कि आपको क्या शिकायत है मुझसे। तुम मुझसे झूठ मत बोला करो। जब तुम मुझसे झूठ बोलती हो तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे तुम मुझे धोखा दे रही हो, चीट कर रही हो मुझसे। कोई भी बात हो, कोई भी मसला हो, तुम मुझसे साफ साफ डिस्कस कर लिया करो। मैंने कब झूठ बोला आपसे? मैं जब घर आया तो तुम रोहान से फोन पे बात कर रही थी। मैंने तुमसे पूछा तो तुमने कहा कि मैं मामा से फोन पे बात कर रही हूँ। क्यों कहा था तुमने ये सब? और तुम उस लड़के से हमदर्दी जता रही थी जिसने तुम्हारी बहन की इज्जत पे हाथ डाला? ऐसा कुछ नहीं है जुहेब। इतने यकीन से कैसे कह सकती हो तुम? कुछ ज्यादा ही एतमाद है ना तुम्हें उस रोहान पर? और आखिर होगा क्यों नहीं, आफ्टरऑल मंगेतर था ना वो तुम्हारा। बहुत मोहब्बत करते थे ना तुम दोनों एक दूसरे से। What nonsense? ये सब किसने कह दिया आपसे?
क्यों कहा, किसने कहा, बस अब ये सब बातें रहने दो। मुझे सिर्फ तुमसे एक बात का जवाब चाहिए, क्या तुम अब भी उसको चाहती हो? सुहेब प्लीज, रोहान और मेरे बीच ना माजी में कुछ था और ना अब है। उसका प्रपोजल आया था बहुत अरसा पहले मेरे लिए, लेकिन बाबा ने किसी वजह से इनकार कर दिया। वो बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह है। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था आपके साथ। मैं सच कह रही हूँ जोहेब, मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपसे। आपके अलावा किसी के बारे में सोचना भी मेरे लिए नामुमकिन है। हेलो, तुमने मेरे और रोहान के बारे में क्या बकवास की है जुहेब से? बकवास तो नहीं की, सच बोला, यही कि तुम दोनों का अफेयर था। That you guys used to like each other. इसमें झूठ तो मैंने कुछ भी नहीं बोला। मेरे और रोहान के बीच ऐसा कुछ नहीं है। और अगर तुमने अपनी बकवास बंद ना की ना, तो बाबा को तुम्हारी असलियत बता दूंगी मैं। Oh, really? क्या करोगी तुम, मुझे भी बताओ। रोहान जैसे अच्छे लड़के पर इतना बड़ा बहुतान लगाकर तुमने अच्छा नहीं किया। अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे इस बात के लिए। शरीफ, I see. तो तुम उस लड़के की साइड ले रही हो जिसने तुम्हारी बहन की इज्जत पर बात करने की कोशिश की। इज्जत? इज्जत का लफ्ज भी अपनी जुबान पर मत ला। तुम जैसी लड़कियां इज्जत के बारे में बात करती हुई अच्छी नहीं लगती। और जो घिनौना खेल तुम खेल रही हो ना, उसका अंजाम जानती हो क्या होगा? As if I care. तो फिर तुम मान गए कि ये सब तुम्हारा किया हुआ एक ड्रामा था। क्यों इस तरह की घटिया हरकतें करके लोगों की बददुआएं समेटती हो तुम? अल्लाह के अजाब से डरो जूबी। ऐसा मैंने क्या कर दिया कि मैं अल्लाह के अजाब से डरने लगूं? क्या किया है तुमने? तुम अच्छी तरह से जानती हो औरत के लिए उसकी इज्जत सबसे बढ़कर होती है। लेकिन तुम्हें क्या परवाह, तुम्हें ना अपनी इज्जत की फिक्र है ना दूसरों की। पता नहीं किस मिट्टी की बनी हो तुम। Oh God, अभी तुम्हारे लेक्चर्स खत्म हो गए तो मैं फोन रख दूँ? प्लीज, I have a lot other things to do. एक बात कान खोल के सुन। जुहेब से कांटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, उससे दूर रहो। एक बात तुम मेरी ध्यान से सुनो, ये जो वार्निंग तुम मुझे दे रही हो ना, कि जाके अपने हस्बैंड को दो कि तो ज्यादा बेहतर होगा। वो कहावत तो तुमने सुनी होगी, इंसान अपना पहला प्यार नहीं भूलता। ये खुशफहमी तुम अपने दिलो दिमाग से निकाल दो, वो तुम्हारा नाम तक नहीं सुनना चाहता। मोहब्बत क्या करेंगे? Well, I see. लेकिन एक बात तो तुम भी जानती हो और मैं भी जानती हूँ, मोहब्बत वो सिर्फ मुझसे करता है और हमेशा करता रहेगा। वैसे तुम्हें तो अपसेट होने की जरूरत नहीं है सोफिया, तुम्हारे पास भी तो दूसरा ऑप्शन है। रोहान तो तुम्हारे प्यार में पागल हुआ बैठा है ना, अगर जस्ट इन केस सोहेब तुम्हें छोड़ भी देता है, should go for that person, you know? You guys are just made for each other. So, if तो बेचारा ऐसे आके बीच में फंस गया। बकवास बंद करो अपनी।
क्या कर रही है तुम? मैसेजेस पढ़ रही लड़की के। किस लड़की के? कौन लड़की? तुम्हारी गर्लफ्रेंड और कौन? गर्लफ्रेंड? वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि मेरी होने वाली बीवी है। मजाक कर रहे हो तुम? हाँ मजाक कर रहे हो? मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मैं प्यार करता हूँ उससे और बहुत जल्द शादी करके इस घर में लाने वाला हूँ। जो आदमी सारी जिंदगी मेरे ही टुकड़ों पर पलता रहा, आज मेरे ही सामने खड़े होके मुझे ये कह रहा है कि मेरे सर पे सौदा बिठा के लाएगा। ये स्टेटस, ये घर, ये सब मेरा दिया हुआ है, और आज मेरी ही कमाई हुई दौलत तुम किसी और औरत पे खर्च करने जा रहे हो? हाँ तो तुमने कोई एहसान नहीं किया मुझ पर, क्योंकि जो कुछ भी तुमने किया उसमें तुम्हारा अपना मकसद शामिल था। तुम क्या समझती हो कि मैं सारी उम्र तुम जैसी औरत के साथ गुजार दूंगा? नहीं, ये इतना जर्फ नहीं है मेरे अंदर। शाजिब तुम्हारा नाम है? हाँ। अच्छी खबर है तुम्हारे लिए, तुम्हारी सजा खत्म हो चुकी है, आइंदा ऐसी दोबारा हरकत नहीं करना। पूरे 2 साल बाद बाहर की दुनिया देख रहे थे, कैसा लग रहा है? तू बता कैसा लगना चाहिए मुझे? पूरे 2 साल उस जहन्नुम में गुजारे हैं सिर्फ और सिर्फ उस पागल लड़की की वजह से। तो जरूरत क्या थी उस मुसीबत में पड़ने की यार? क्या मिला तुझे उस अमीरजादी के साथ शादी करके? हाथ तो कुछ नहीं आया ना, ऊपर से बना बनाया करे भी तबाह हो गया। बस बस कर, मेरे जख्मों पे मजीद नमक मत छिड़क तू, पहले बहुत ज्यादा टेंस्ड हूं मैं। अच्छा रिलैक्स कर यार, प्लीज काम डाउन। कैसे रिलैक्स करूं? हां कैसे, कुछ भी नहीं है मेरे हाथों में, और ऊपर से उसका बाप बहुत ऊंची फिल्म है, जो चीजें मेरे पास थी जेवर वेवर सब उसने वापस ले लिए पुलिस के जरिए, कुछ भी नहीं है मेरे हाथों में, कैसे गुजारूंगा मैं अपना खर्च? ऊपर से कोई काम भी नहीं देगा मुझे। सॉरी यार, तू बता क्या चल रहा है आजकल? तेरे लिए कुछ गॉसिप्स है मेरे पास तेरी एक्स वाइफ के बारे में। क्या मतलब? बताता हूँ कल चल के आराम। वासिफ, वासिफ तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही? वासिफ रुको, मैं कहती हूं रुको। तुम मुझे इस तरह इग्नोर करके नहीं जा सकते। मैं कहती हूं रुको, मुझे मेरे 50 लाख अभी चाहिए। सुन रहे हो मेरी बात?
अभी इसी वक्त मुझे मेरे पैसे चाहिए वापस। उन 50 लाख को तो तुम भूल जाओ। क्या? वो तुम्हें अब कभी नहीं मिलेंगे। क्या मतलब नहीं मिलेंगे? हाँ, तुमने मुझे वादा किया था कि तुम सूद समेत मेरे पैसे वापस करोगे। वादा तो होता ही तोड़ने के। क्या? झूठ बोला था तुमने मुझसे? धोखा दे रहे हो मुझे? हाँ, मैंने झूठ बोला, झूठ बोला है मैंने तुमसे। कर लो जो करना। अगर तुमने अभी इसी वक्त फैसला नहीं किया, मुझे मेरे पैसे नहीं लौटाए, तो मैं तुम्हारा तो क्या कर लोगी तुम? तुम्हें और उस आवारा बाजारू औरत को जान से मार दूंगी, समझे? खबरदार, खबरदार जो उसे बाजारू औरत का, वो बाजारू औरत नहीं है, मेरी होने वाली बीवी है, समझी? तो क्या? क्या? हाँ, मैं उससे शादी कर रहा हूं और बहुत जल्द इस घर में लेकर आ रहा हूं। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो अपना बोरिया बिस्तर समेटो और दफा हो जाओ इस घर से। वासिफ, कहां जा रहे हो तुम? मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, सुनो मेरी बात। वासिफ, रहने दे दादू, कुछ नहीं होने वाला आपसे। यू कैन डू एनीथिंग। अब सोफिया को जोहेब के चुंगल से छुड़ाने के लिए ना मुझे ही कुछ करना होगा। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं हाथ पे हाथ धरे बैठी हूँ? अरे मैं तो अच्छे अच्छों को जब तक जहन्नुम ना पहुंचा दूं चैन से नहीं बैठती। ये सोफिया किस खेत की मूली है? बस देख दी जाओ तुम्हारी नानो करती क्या है। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होने वाला। आपने पहले ही मेरा बड़ा टाइम वेस्ट किया। आपकी वजह से मैंने अपनी स्टोर वाली जॉब तक छोड़ दी। सोचा था पाकिस्तान आकर मैं उस घर की मालकिन बन जाऊंगी, फ्यूचर सेव हो जाएगा मेरा। मगर आपके इन झूठे लारों ने मेरा टाइम वेस्ट किया और कुछ भी नहीं किया। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं पहली फ्लाइट पकड़कर पाकिस्तान आ रही हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं तो खुद तुझसे ये कहने वाली थी, यहाँ आकर माँ बेटों को अपनी मुट्ठी में कर ले। अरे हाँ, सुन, मेरी बहू को तेज तरार लड़कियां या फैशनेबल लड़कियां एक आंख नहीं भाती। What do you mean? अरे समझा कर, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे लड़कों को मुतासिर करने से पहले उनकी माँ को मुट्ठी में लेना पड़ता है, मक्खन लगाना पड़ता है। और हाँ, तो अपने वलायती कपड़े सारे वहीं छोड़ कर आना, यहाँ पे सिर्फ शलवार कमीज या कुर्ता पहनना। और मैंने इन लोगों के सामने कहा है कि सोनिया बहुत शर्म हया की और बहुत सीधी सादी लड़की है, मुझे देख इन लोगों के सामने शर्मिंदा ना करना। अच्छा अच्छा, बस कर देना, मैं कर लूंगी मैनेज। ओके बाय। अपना ख्याल करना। चल ठीक है, अल्लाह हाफिज। हेलो खाला। हेलो, हाँ मैं बोल रही हूँ। खाला, खाला आप रो क्यों रही हैं? मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा तुम्हारे खालू ने। मेरे पैसे हड़प कर लिए, मेरा जेवर छीन लिया और ये घर भी, वो सब धोखा था। और अब कह रहा था कि शादी कर रहा हूँ दूसरी, सौतल लेके आ रहा है मेरे सर पे। ओह माय गॉड, लेकिन ये सब कैसे हुआ और खालू ऐसे कैसे कर सकते हैं आपके साथ? ओह माय गॉड खाला, लेकिन बाबा आपकी अब किसी किस्म की हेल्प नहीं करेंगे, आप जानती हैं। अच्छा खाला, रोना बंद करें, रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स, रोना बंद करें, मैं वहां पे आ रही हूँ।
यार ये अपार्टमेंट तो अच्छा है, किसका है? अपना ही फ्लैट है यार, तेरा जब दिल चाहता तू रह यहाँ पे। थैंक यू यार। अबे दोस्त हूँ तेरा, थैंक्स इसलिए बोल रहा है। यार तूने मेरे हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, मैं तेरे एहसान कभी नहीं भूल सकता। एहसान किस बात का यार, मेरे मुश्किल वक्त में तूने मेरा बड़ा साथ दिया है। याद है जब डैड ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था, उस वक्त तूने मुझे कितना सपोर्ट किया था। कैसे भूल सकता हूँ वो बुरा वक्त और तेरा एहसान। डैड की नाराजगी कम हुई, कुछ बात हुई? नहीं यार, माफी बहुत बार मांग चुका हूँ लेकिन कोई फायदा नहीं। तो फिर तेरा गुजारा कैसे चल रहा है, मेरा मतलब काम क्या कर रहा है? वही जो पहले था, अमीर और बिगड़ी हुई हसीनाओं को अपने जाल में फंसाना। तो बिल्कुल नहीं बदला, गर्लफ्रेंड्स के पैसों पे अय्याशियां कर रहे हैं। हाँ इस साल पूरी 15 अमीरजादियों को अपने जाल में फंसा चुका हूं, और उसमें एक वो भी थी, तेरी एक्स वाइफ ज़ूबिया अहमद। क्या तू और ज़ूबिया? भाई तुम लोगों को एक अच्छी खबर सुनानी है, कल सोनिया पाकिस्तान आ रही है। अरे तो बहुत खुशी की खबर है, बड़ी हंसमुख लड़की है, आ जाएगी तो जरा घर में रौनक भी हो जाएगी। जरा नहीं, बहुत रौनक हो जाएगी। मेरी सोनिया चलती फिरती ट्यूबलाइट है, जहाँ जाती है रोशनी फैला देती है। इतनी हंसमुख और जिंदा दिल लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। हाँ मुझे भी काफ़ी अरसा हो गया है उसको देखे हुए। आखिरी बार जब मैं इंग्लैंड गई थी तुम बहुत छोटी थी। अब तो माशाल्लाह बड़ी हो गई है, यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया है, जॉब भी करती है। मेरे लिए जॉब छोड़कर आ रही है, कह रही थी नानो मैं आकर यहाँ पर आपकी बहुत खिदमत करूँगी और अपने साथ ही वापस ले जाऊँगी। खैर उसकी फ्लाइट कितने बजे है? 5 बजे उसकी फ्लाइट है, तुम ऑफिस से वापसी पर उसको लेते हुए आना। जी बिल्कुल ठीक है। और हाँ सुफिया बेटा, तुम ऐसे करो मेरे कमरे के बाजू जो कमरा है उसकी सफाई अपनी निगरानी में अच्छी तरह कर देना, मेरी सोनिया बहुत सफाई पसंद है। आप फिक्र ना करें दादू, मैं खुद साफ करा दूँ। अब ऐसे मुंह लड़का आके क्यों बैठा है यार? Just forget about the past, yeah? नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूल सकता मैं। तो क्या अभी भी तू उस केस में गिरफ्तार है? क्या इश्क? और वो भी उस पागल लड़की से? तेरा दिमाग खराब हो गया? वो मोहब्बत के लिए नफरत के लायक है। कभी मेरे सामने आ गई तो मैं, मेरी जिंदगी, मेरा करियर, सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ।
तो फिर तो तुझे खुश होना चाहिए, तेरा बदला मैंने ले लिया उससे। पूरे 35 लाख की गाड़ी थी उस लड़की की, अरे 20 लाख की तो मैंने खुद सेल की है। अब पूरा साल गुजारूंगा ऐसे बिना काम के। अब एक गाड़ी चोरी कर तू खुद को बहुत बड़ा 30 बार कहां समझ रहा है? बहुत बड़ी आसामी है वो, अरबपति उसका बाप, अरबपति। भाई ऐसी बिगड़ी हुई अमीरजादियों को तो बस तू ही काबू कर सकता है, मैंने जो करना था मैंने कर लिया। अच्छा ये बता तेरा आगे का आपका इरादा है? कुछ करने के काबिल नहीं छोड़ा उसने मुझे। जेल से निकलने के बाद बदनामी और जिल्लत मेरा मुकद्दर है बस। तो फिर सबसे पहले मैं उस पागल लड़की का दिमाग ठीक करूंगा। मुझे आज भी वो दिन याद है जिस दिन उसके बाप ने सबके सामने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा था, मुझे सबके सामने जलील किया था। उन बाप बेटी की जिंदगी को जहन्नम से भी बदतर कर दूंगा, जहन्नम से भी बदतर। आप ये बताएं ये रिंग आपने कितने के लिए? बहुत मामूली है तुम्हारे आगे। झूठ बोल रहे हैं आप। फिर हनीमून पे जाने का क्या प्लान? अच्छा ये बताएं कहाँ लेके जाएंगे हनीमून पे? भाई ये तो तुम डिसाइड करोगे, तुम जहाँ कहोगी हम वहाँ जाएंगे। ये कौन है ये? हाँ ये औरत मेरे घर में क्या कर रही है? सिर्फ तुम खामोश क्यों हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। कौन है ये? क्यों बैठी है यहाँ मेरे घर में? एक्सक्यूज मी, ये अब तुम्हारा नहीं मेरा घर है। वासिफ आप खामोश क्यों खड़े हैं? बताएं इसे कि मैं कौन हूं और इस घर में मेरी क्या हैसियत है। कौन है ये? कौन है ये? ये मेरी बीवी है, हमने आज ही निकाह किया और आज से ये इस घर में मेरी बीवी की हैसियत से रहेगी, समझी तुम? क्या क्योंकि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन किसी चीज का बदला लूंगी तुमसे। प्लीज अरे इतवार उस इंसान का जिसने अपनी बीवी का फेवर चुराया, घर में वो डाकू भेज के। तो फिर तुम उसे आजाद करो आज अभी और इसी वक्त, क्योंकि मैं उसे तुम जैसे शख्स के साथ मजीद रहने नहीं दे सकता। अरे बका ये बात भी अपने जहन से निकाल दे कि प्रॉपर्टी में से एक छोटी कौड़ी भी ना दे, मुझे जरूरत पड़ी तो मैं अपनी बेटी को आप ही कर सकता हूँ, समझे? आप जो चाहें हमें सजा दें, आप हमारे बड़े हैं। निकलो मेरे लाउंज से, बल्कि मेरे घर से निकलो तुम अभी इसी वक्त। छोड़ो मुझे। क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? हाँ हाँ मैं पागल हो गई हूँ, इसे नहीं छोड़ूंगी मैं, इसे जिंदा। वासिफ ये औरत अपने होश आवाज खो बैठी है, तुम इस साइको को बर्दाश्त कैसे करते थे? दिमाग खराब था मेरा। निकालो निकालो इस औरत को भी इस घर से निकालो। इस घर से मैं नहीं, इस घर से तुम जाओगी, समझी?
ये घर मेरा है। मेरे नाम है ये घर। बस बस रचना, बहुत हो गया तुम्हारा पागलपन। अब अगर तुमने अब कोई भी हरकत की तो मैं तुम्हें इसी वक्त खड़े खड़े तलाक दे दूंगा और धक्के दे के बाहर निकाल दूंगा घर से। क्या तुम मुझे तलाक दोगे? हाँ, अभी इसी वक्त मुझे तलाक दे दो। लेकिन तलाक के बाद सिर्फ ये नहीं जाएगी यहां से, बल्कि तुम भी चले जाना इसके साथ। जाओ जाओ जाओ, दोनों निकलो मेरे घर से। वासिफ, ये क्या कह रही है? क्या बातें कर रही है? आपने तो मुझे कहा था कि शादी के बाद आप ये घर मेरे नाम कर देंगे। ये क्या कह रही है? क्या बकवास कर रही है? झूठ बोल रही है सब कुछ। बकवास कर रही हूं मैं? मैं बकवास कर रही हूं? तुम यही रुको, अभी मैं घर के कागज लेकर आती हूं, खुद ही देख लेना कि घर मेरे नाम पे है। हाँ हाँ जाओ, वो सब जाली कागजात है और मैंने तुमसे जाली कागजात पे साइन करवाए थे। क्या तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला? मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला वासिफ? जिंदगी में तुमसे बड़ा कमीना, बेगैरत, एहसान वाला मुझे आदमी नहीं देखा। तुम खुद क्या कभी अपने गिरेबान में झांक के देखा है? तो तुम्हें अपना मकरू चेहरा साफ नजर आ जाएगा। तुम जैसी बदलिहाज, बदसलीका और बांझ औरत के साथ इतना अरसा मैंने कैसे गुजारा ये मेरा दिल जानता है। लेकिन मुझे नहीं अंदाजा था कि तुम्हारा पागलपन इस हद तक बढ़ जाएगा और मुझे मजबूरन तुम्हें धक्के देके घर से बाहर निकालना पड़ेगा। वासिफ, तुम इसकी बातों में मत आओ प्लीज। देखो, मेरा तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। प्लीज वासिफ, ऐसा मत करो, ये मेरा घर है। क्यों है ना तुम्हारी भांजी का घर, वहां जाओ और वहां जाकर रहो और हमारी जान बख्शी कर दो। मैं अपने शौहर से बात कर रही हूँ, समझी तुम? यह हमारा मामला है, तुम बीच में मत पड़ो। कैसा शौहर? कैसा शौहर? वासिफ, इसको इस घर से निकालो, इस साइको को इस घर से निकालो, बेवकूफ औरत। मैं जान से मारूंगी। कृष्णा, होश में आओ, निकलो। क्या? निकलो बाहर। क्या कर रहे हो? अभी निकलो। छोड़ो मेरा हाथ। निकलो बाहर, मैं कह रहा हूँ निकलो अभी। और इसी निकलो यहाँ से। वासिफ, दरवाजा खोलो प्लीज, तुम मुझे अपने घर से नहीं निकाल सकते। वासिफ, मेरी बात सुनो। खाला क्या हुआ? बैठे। क्यों रो रही है? खाला क्या हुआ? रोना बंद करें, मुझे बताएं क्या हुआ है। खाला रोना बंद करें मुझे बताएं क्या हुआ है। खाला, वासिफ ने मुझे घर से निकाल दिया, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। नहीं खाला, रिलैक्स प्लीज, काम डाउन, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं हूँ ना, मेरे ही पैसों पे, मेरे ही घर में उस चड़ैल के साथ अय्याशी कर रहा है वो वासिफ। खाला, काम डाउन प्लीज, रिलैक्स करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं बर्बाद हो गई सूफी, मैं बर्बाद हो गई। मैं कहाँ जाऊंगी, मैं अब क्या करूंगी? मेरा सब कुछ था, वो छीन के ले गया सब कुछ। मैं हूँ ना, प्लीज ऐसा अब मत सोचो, रोना बंद करो। ये सिला दिया है उसने मेरी पाँव का, ये सिला दिया है, देखो। ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, क्यों हुआ ऐसा?